हेलो फ्रेंड्स, हाय। नदीम फ्रॉम मुंबई टैटू। और आज हम असेंबल करेंगे स्टील आर्म स्टैंड। ये जो स्टील आर्म स्टैंड है, ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हम ऑनलाइन सेल करते हैं। हर कोई जो पॉसिबल नहीं है क्लाइंट हमारे शॉप पे आके बाय करे, तो हम ये सारी चीजें इसीलिए वीडियो पे डालते हैं कि हम वीडियो पे बता सके कि किस तरह से इसको यूज करते हैं और किस तरह से इसको आप असेंबल कर सकते हो। तो ये आर्म स्टैंड है, स्टील आर्म स्टैंड। इसको असेंबल किस तरह से करा जाता है और इसका यूज क्या है वो बता दूं मैं आपको। ये थ्री पार्ट्स में आता है। एक पार्ट ये होता है इसका, जिसके अंदर इसके लेग्स होते हैं। लेग्स को आप इस तरह से जो है, पोर्टेबल है ये, कहीं चाहिए तो आप लेके जा सकते हो उसको, और इस तरह से आप इसको खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। ये नॉब है इसका, यहां से इसको टाइट करोगे आप तो ये फुल टाइट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, ये दूसरा वाला नॉब जो है, ये स्टैंडिंग के लिए ये कंफर्टेबल हो गया, ये गिरेगा नहीं। ओके, और दूसरा ये जो स्टैंड, ये नॉब है, ये आप ओपन करोगे तो इसकी हाइट जो है आप इंक्रीज कर सकते हो, जितना बड़ा करना है आपको उसको बड़ा कर सकते हो, जो भी साइज चाहिए आपको। जैसे बेड पे आपका क्लाइंट है और आपको साइड पे इसको रखना है बाइसेप्स के लिए या फोर आर्म्स के लिए, तो आप उसको आराम से ऐसे फोर आर्म्स के लिए यूज कर सकते हो, बाइसेप्स के लिए यूज कर सकते हो, फोर आर्म्स के लिए यूज कर सकते हो। चेयर पे तो काफी कंफर्टेबल है, क्लाइंट आपका चेयर पे, आपकी चेयर जो भी हाइट पे, वो हाइट पे इसको एडजस्ट कर सकते हो आप, और यहां से इसको पूरी तरह से टाइट कर सकते हो। ये इस तरह से आप रख सकते हो, डाउन कर सकते हो, जो भी प्लस माइनस करना है इसकी हाइट में यहां से आप कर सकते हो। इसके लेग्स यहां से आप एडजस्ट कर सकते हो और इसको आपको कोई इंक्लाइन या डिक्लाइन करना है तो यहां से कर सकते हो। ये इसका नॉब है, यहां से आप इसको जो भी आपको इंक्लाइन डिक्लाइन करना है करके आप इसको फुल टाइट कर दोगे, ये सेट हो जाएगा। अब ये इस तरह से बॉक्स पैकिंग में आता है, और कैसे आता है वो बता दूं मैं आपको, और किस तरह से आपको इसको फिट करना है। स्टील आर्म स्टैंड, गुड क्वालिटी आर्म स्टैंड में चार पांच क्वालिटीज है। वो सारे हमने वीडियोस एक एक करके डाले, आप देख सकते हो। लाइट वेट पोर्टेबल भी है, स्टील वाला भी है, हैवी वाला भी है, और हैवी पोर्टेबल भी है, काफी सारे। ये इसका फिट है, इसके लेग्स, ये जो आप इंक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हो यहां से ओपन करके। ओके, ठीक है, ये इसमें अंदर जाएगा और टाइट हो जाएगा। उसके पहले इसके अंदर चार स्क्रू आते हैं, चार स्क्रू। सबसे पहले आपको इसको फिटिंग करना है, ये ऑलवेज नहीं करना है, जब आप नया लेते हो तब इसको आपको फिट करना है। ये एक होल है, मिडिल होल। ये किसी किसी सीट में आता है, किसी किसी में नहीं आता है। नहीं आता है तो आपको सेट कर लेना है कि कहां ये बैठेगा, उस हिसाब से इसको रखना है आपको। रख के ये स्क्रू को आपको प्रेस करना है, प्रेस करके इसको जस्ट टाइट कर देना है। मैं आपको बता देता हूं टाइट करके,
ये मिडिल में रखना है आपको, और यहाँ पे इसको कोई ड्रिल मशीन से होल नहीं करना है, जस्ट इसको आपको यहाँ पे रख के इसको प्रेस कर देना है। जब आप प्रेस कर दोगे ना, ये सॉफ्ट बोर्ड है, ये सॉफ्ट बोर्ड है, ये आपको प्रेस करके इसको जस्ट आपको टाइट कर देना है। ऐसे ही आपको चारों स्क्रू टाइट करना है, कोई ड्रिल मशीन से होल करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इसको सेट करना है और चारों को टाइट कर देना है। ये अभी हमने कोई होल नहीं किया है इसको, जस्ट इसको प्रेस किया है, प्रेस करने के बाद टाइट कर दिया, दैट्स इट। ऐसे ही चारों स्क्रू लगा देना है आपको, ठीक है। चारों स्क्रू बैठ जाएंगे, आपका काम हो गया। चारों को सेट करना है आपको, मिडल से चारों को देखना है। चारों स्क्रू सेट कर दिए, उसके बाद में आपने इसको इसमें डाल दिया। जो भी साइज चाहिए आप इसको सेट कर दो। रेडी हो गया आपका आराम से, ओके। ये ऐसे छोटे से बॉक्स में आएगा और ऐसे इंडिविजुअल पार्ट आएंगे, आपको उसको ज्वाइंट करके एक अच्छे से सेट करना है और इस हिसाब से आपको यूज करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।